Uh, so in the session 1 with him we basically discussed that how he got into competitive programming uh, which language he used uh, which platform he prefers and uh, how he manages to code consistently with all other college stuff like acads and co curricular activities and what are his views on long challenges short challenges dynamic programming and a lot lot more so do check it out link will be in the description or in the i tab above and in this session we are going to discuss with him that how he uh, utilizes lockdown period how he got internship at coding ninja how he got internship at google means how he got to know about it how he applied it what was the procedure everything about it and what are his views on development versus competitive programming that is one of the hype topics right now and after that we will discuss that what are his future plans and at the end he will be giving advice to all the students who are thinking to get started with competitive programming so do watch till end and let's get started hi sir how are you doing

एंड uh, तब मेरा माइंड सेट ऐसा था कि लाइक आई हैड गॉट इन रियली आई हैड रियली गॉट इन इन टू कॉम्पिटिटिव के मतलब एक पैशन सा डेवलप हो गया था कि इसमें तो अब मेरे को उखाड़ना ही है एंड सो आई थिंक दैट पैशन लास्टेड थ्रू आउट लॉकडाउन तो एंड दैट हेल्प्ड मी टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड सो इन दैट लॉकडाउन आई थिंक शुरू के uh, दो या तीन महीने जो भी कॉन्टेस्ट होते थे कोर्ट कोर्ट फोर्सेस पे आई गेव ऑल ऑफ देम एंड उससे मैं अपने आप को रोज़ सेल्फ एवेलुएट करता था कि कहाँ चूक रहा हूँ मैं uh, क्या मुझसे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा क्या मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है क्या मेरी इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स ख़राब है क्या क्या ये टॉपिक मुझे आता नहीं है बिल्कुल ही एंड ऐसे में सेल्फ एवेलुएट करते करते uh, फिर उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग रेजाइम रखता था जैसे अगर मेरे पास टाइम नहीं हो तो आई एल टेक अ बंच ऑफ प्रॉब्लम्स पुट अ टाइमर असाइड एंड टाइमर के बेसिस पे मैं प्रॉब्लम uh, सॉल्व करता था फिर देन आई डूज टू जज माई सेल्फ बेस्ड ऑन कब मेरे को एक्सेप्टेड मिलता था ल्फ so, uh, देट आप खुद से ही कॉम्पिटिशन करते थे that I have to in such a way. हाँ एग्जैक्टली exactly. मतलब अपने लिए मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि देखो यार यहाँ yes, exactly. तक मुझे पहुँचना है वॉट शो डू टू यू नो रीच यो वो एक मैंने बारेट दिंग वी टेक इंस्परेशन फ्राम yeah so yes yeah. Sir. so mm. uh, so in lockdown period you just started coding with that sincerity mm -hmm. and uh, also you got internship at coding ninja i guess at that time only yeah uh, so sir please tell tell us about that part uh yes yeah, sure so that was that was quite a lucky streak for me because uh tab तब ऐसे कॉम्पिटिटिव कर रहा था बट एट द सेम टाइम इंटर्नशिप्स व ड्रॉइंग नहीं हो एंड आई रियलाइज उसके लिए कुछ करना था अगेन आई गेट इन टू मैंने एक दो महीने पहले इंटर्नशिप सीजन के क्या क्या, क्या किया बट uh, हाँ तो कोडिंग uh, निजाज में इट वॉज़ अ लकी स्ट्रीक मेरे एक कज़िन है जो uh, वहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर है एंड ही बेसिकली आस मी कि अगर तू फ्री है एंड इफ यू वॉन्ट टू डू एन इंटर्नशिप सो वट आई डू इज गिव योर रेज्यूम मे आई आई एल पास इट ऑन टू देड ऑफ दिपार्टमेंट एंड इफ यू लाइक्स यू मे बी ही टेक एन इंटरव्यू टू एंड देन यू कैन डू एन इंटर्नशिप लाइक असाइड इंटर्नशिप असाइड फ्रॉम दी इंटर्नशिप दैट आई ट्राई फ्रॉम कॉलेज यू नो एंड बेसिकली द टाइम भी था मेरे पास फ्री टाइम तो बहुत ही था सो आई वाज लाइक कि व्हाई नॉट इट्स लाइक अनदर बैच यू कैन कॉल इट लकी यू कैन कॉल इट लकी बट ऐसा कहते हैं कि किस्मत शूरवीरों का ही साथ देती है सो वी कैन गो विद दैट आल्सो या आई गेस आई इट वाज अगेन मेरे साइड से भी मेहनत थी बट आई फील दैट काफी मैं भी लकी हूं अपने साइड पे भी अ लॉट ऑफ थिंग्स वेंट इन प्लेस फॉर मी सो आई गेस

The main uh, requirement that was needed for problem setting. Uh, what you had is uh, what you had at that time is the real stuff that student wants. Means five star coder on CodeChef. <laughs> it is a big deal. It is a hard nut to crack. It yeah. I mean it it takes time and effort. But yeah, I think everyone can get there. So time, effort, dedication, all the things. Means yep. I also want to be a five star coder on Code CodeChef. But <laughs> okay, just let like keep this aside. <laughs> या आई गेस एज आम सेट नीड्स जस्ट टाइम एंड एफर्ट एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स दैट्स द की वर्ड लाइक यू नीड टू गिव टाइम एंड आई थिंक कोई भी कोई भी कर सकता है बस यू नीड टू हैव दैट टाइम यू नीड टू गिव यू एफर्ट एक पैशन भी हो तो तुमको वो कभी मेहनत जैसी लगीट्स ऑल्सो की सो एनी वे तो उसके बाद मेरे एक दो इंटरव्यूज हुए थे वहाँ पर उन्होंने लिया uh, मतलब जो दैट

एक वर्क कल्चर कैसा चलता है एंड लवली पीपल रियली लवली पीपल ओवर द मतलब कभी तुमको काम के लिए फोर्स नहीं करते थे तुमको सामने से पूछते थे कि स्टीफन ये ये काम तुमको मैं दे रहा हूँ कितने टाइम में तुम ये करके मुझे दे सकते हो एंड जो भी तुम टाइम बोलो दे वुड एक्सेप्टेड बस तुमको वो डेड तक देना है सो लवली पीपल ओवर दै आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड ऑफकोर्स एक वर्क मतलब uh, वर्क प्रोफाइल के लिए एक बैज ऑफ ऑनर जैसे इन द लॉकडाउन पीरियड यू गॉट द इंटर्नशिप फ्रॉम गूगल सो मीन्स हाउ यू गॉट नो अबाउट इट हाउ यू अपलाइड फॉर इट एंड वॉट वॉर द प्रोसीजर आफ्टर द सेलेक्शन मीन्स एवरीथिंग आई वॉन्ट नो श्योर श्योर सो सो so, एक टाइमलाइन दे देता हूँ मैं सो दिस कोडिंग इन जस्ट थिंग वॉज इन जुलाई एंड हमको बेसिकली इंटर्नशिप uh, कम मतलब इंटर्नशिप्स के लिए हमको अगस्त से बैठना था अब इफ़ यू रिमेंबर सिचुएशन अगेन बहुत ख़राब थी एंड सो so, हाँ. बीच में हमारे कॉलेज का ऐसा आ गया था कि आई थिंक

बहुत सही काम करती है सो दे वर फोकसिंग ऑन द फाइनल एट दैट टाइम कि फाइनल ईयर वालों की जॉब लगेगी दैट दैट वाज वाज द मेन प्रायोरिटी प्रायोरिटी मोर इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली आई कैन से सो दे वर लाइक इफ करंटली हम तुमको सपोर्ट नहीं कर सकते सो फॉर नाउ यू आर ऑन योर ओन और ऑफ कैंपस जहां पे भी तुमको अपॉर्चुनिटी मिले सारे जगह अप्लाई कर दो एंड सो बेसिकली हमारी बैच ने यही किया था जहाँ पे भी ओपनिंग्स मिलते थे वहाँ वहाँ अप्लाई करते थे वेबसाइट्स पे मतलब हम रोज़ चेक करते थे कंपनीज़ के कि कोई ओपनिंग मिल जाए इंटर्न के नाम से बस और बस वहाँ जाके अप्लाई कर देते थे सो so, yes. ये ये सिनेरियो था एंड uh, अब अगर गूगल की बात करें तो गूगल में तो मुझे एनी वे अप्लाई करना ही था बिकॉज uh, एक एक सीनियर है मेरे जो uh, एक साल बड़े हैं एंड ही वॉज दी ओनली वन फ्रॉम आर बैच जिनको उस टाइम पे इंटर्नशिप लगी थी सो अगेन मैड प्रॉप्स टू हिम ही वॉज रियली हेल्पफुल टू मी उन्होंने काफ़ी गाइड किया मुझे एंड सो बेर सीबर कौन याबीर कबीर कबीर सर या सो अगेन मैड प्रॉप्स टू हेम बहुत हेल्प की उन्होंने मतलब जब भी क्वेरीज होते थे तो आई वुड गो टू हेम एन यू वुड आंसर दैम ऑल सो या एंड तो बेसिकली उन्होंने ही मुझे एक रेफरेंस uh, से कॉन्टैक्ट दिलाया सो वॉज द वी वॉज़ करेंटली वर्किंग ओवर दैट एट गूगल एंड सो उनके थ्रू लाइक like, एक रेफरल आया मुझे एंड एट दैट टाइम हाँ ऑगस्ट ऑगस्ट के टाइम पे आई हैड अप्लाइड ऑगस्ट के टाइम पे ओपनिंग्स आ गई थी इंटर्नशिप uh, की एंड अगेन ठीक है मैं प्रोसीजर के बारे में भी बता देता हूँ सो प्रोसीजर में इट्स इट्स वेरी स्टैंडर्ड तुमको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा सो आई वॉन्ट वोंट गो ओवर इट इन डिटेल बस ग्लॉस कर देता हूँ प्रोसीजर ऐसा होता है कि यू अप्लाई जनरल केस में ऐसा होता है कि अगर तुम उनको रेज्यूम में सही लग गई दे फाइंड यू आर अ गुड फिट फॉर द कंपनी सो दे बेसिकली लैंड यू इंटरव्यूज दो इंटरव्यूज़ होते हैं दोनों कोडिंग के होते हैं वैन इट कम्स टू इंटर्नशिप्स दोनों प्योरली कोडिंग के होते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्बोज पे एंड ईच ईच इंटरव्यूज फोर्टी फाइव मिनट्स ईच मतलब ऐसा होता है एक क्वेश्चन एक हार्ड क्वेश्चन या दो इजी क्वेश्चन तुमको दे देता है टू सॉल्व इन फोर्टी फाइव मिनट्स एंड वही अगेन ऑन डी एस एंड एल्गो एंड उन दो इंटरव्यूज हाँ, या सो या. Uh, so, उन दो इंटरव्यूज के बेसिस पे देर आर थ्री थिंग्स या तो वो तुमको उन दो इंटरव्यूज़ के परफॉर्मेंसेस पे एक्सेप्ट कर लेते हैं या तो तुम रिजेक्ट हो जाते हो या अगर उनको ज़रूरत होती है तो देते ही टेक अ थर्ड इंटरव्यू एंड फिर उसके बेसिस पे तुम्हारे फाइनल रिजल्ट्स आते हैं, सो दैट्स द जनरल प्रोसीजर एंड मेरा शुरू हुआ था अक्टूबर मतलब अगस्त में शुरू हुआ था मेरा ये प्रोसीजर आई हैड अप्लाइड इन ऑगस्ट उसी टाइम अब ये सिनेरियो में एक चेंज हुआ था कि सबको एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ा था विच कंसिस्टेड ऑफ़ टू कोडिंग प्रॉब्लम्स आई थिंक एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा थे एंड टू फिल्टर ऑल ऑल ऑफ़ दम आउट मतलब फिल्टर मोस्ट ऑफ़ दम आउट उन्होंने ये किया <laughs> था कि कोडिंग टेस्ट लिया था एंड हाँ सो उसके बाद आई थिंक सीधा मुझे सेप्टेम्बर एंड में एक कॉल आया कि वी फाउंड यू वर अ गुड फिट फॉर द कंपनी सो वी आर लैंडिंग यू इंटरव्यूज एंड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस ऑन दैट वील डिसाइड वेदर टू ऑफर यू एंड इंटर्नशिप और नॉट सो वो था अक्टूबर में अराउंड मतलब अक्टूबर बिगनिंग में एंड तब uh, मेरे मिड सेंस क्लैश कर रहे थे एक्चुअली सो पीपल देर एट गूगल अगेन व वेरी वेरी हेल्पफुल उन्होंने उनको

परफॉर्मेंस uh, so, uh, उसी, उसी पे मुझे एक्सेप्ट कर लिया मेरे को ऑफर कर दिया आई थिंक ऑफर मुझे अक्टूबर एंड में मिल गया था आई सो दैट फीलिंगली गॉट दीन्स इट दट इट वॉज जस्ट अब स्कट फेल्स लाइक वेरी वेरी वैलिडेटिंग चलो जितना जितनी अभी तक मेहनत की है एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो फीलिंग ऑफ अकॉम्पलिशमेंट एक वो वैलिडेशन आ जाता है कि अरे फाइनली मेरे मेहनत का फल कुछ मिला yes, exactly. है एग्जैक्टली एंड मेरा मेरा ऐसा सिनेरियो था कि अब मैंने प्योरली कॉम्पिटिटिव की थी एंड मेरे सब्जेक्ट्स काफी वीक थे मतलब जो सी के सब्जेक्ट्स थे एट दैट टाइम अभी भी कहूंगा तो दे आर रिलेटिवली वीक मेरे को पढ़ने पढ़ने पड़ेंगे सब्जेक्ट्स व्हेन आई सी सब्जेक्ट्स आई मीन सब्जेक्ट्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स डी हो गया

मतलब यहाँ तो शायद कहीं नहीं लग पाएगा सो इट वॉज लाइक अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी लकीली आई मैनेज आउट ऑफ दैट सिचुएशन गूगल ने इंटर्नशिप ऑफर कर दी एंड सो या दैट द स्टोरी ओके सो सर दैट वॉज एन अमेजिंग स्टोरी सो फाइनली एज यू हैव अकम्प्लीस समथिंग सो आई एम हैविंग एन डाउट आह uh, basically mm -hmm. it, it is not my doubt आह uh, it is doubt of every student आह uh, whenever fresher mm -hmm. comes to a college आह uh, he is facing a question that should he go for competitive programming or development means what are your views on it हम्म hmm. so ये ये काफी लोग I guess मुझे भी मुझे भी काफी पूछते हैं कि sir अगर मेरे को companies में मतलब अगर job लगवानी है क्या क्या field pursue करूँ I'd say कि यार कॉलेज है दैट दी ओनली टाइम दैट यू कैन परस्यू अकॉर्डिंग टू योर विश मतलब आई वुड से सारे फील्ड्स एटलीस्ट ट्राई आउट करो सी हाउ इट फील्ड्स मतलब फाइंड योर पैशन अमंग इट उसमें से उसमें उसमें पूरी जान दे दो सर एंड द पैशन थिंग इज करेक्ट बट द स्टूडेंट जो नॉर्मली सोचते हैं वो यही सोचते हैं कि या तो मैं रिज्यूमे पे एक प्रोजेक्ट के लिए मैं एक डेवलपमेंट कर लेता हूँ एंड फॉर द फॉर द कॉम्पिटेटिव राउंड फॉर कंपनी इंटरव्यूज आई विल डू कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग बट द थिंग इज दैट इफ़ यू फाइंड पैशन इज समथिंग यू विल डू इट विद डेडिकेशन एंड मीन्स इंटरेस्ट आएगा उसको करने में सो पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यू आर पैशनेट फॉर कोडिंग एग्जैक्टली मतलब अगर अगर चिराग जैसे तू मुझे पूछे कि सर आपने तो बहुत मेहनत की होगी आपने तो दिन रात लगाए होंगे इसके लिए या ऐसा कुछ सो so, मैं बोलूँगा नहीं यार मतलब मुझे ऐसा कभी लगा नहीं बिकॉज अगेन जब तुम तुम अपनी चीज़ जो जिसमें तुम पैशनेट होते हो जब तुम वो करते हो तो कभी तुम्हें वो चीज़ मेहनत नहीं लगती एग्जैक्टली exactly. मतलब तुम उसको अपने फ्लो में करते हो अपने मजे से करते हो यू हैव फन एंड फील्स लाइक हार्ड वर्क एग्जैक्टली एग्जैक्टली कोई भी मुझे पूछेगा कि लाइक like, स्टीफन भाई बहुत मेहनत की होगी यार तूने काफ़ी सेक्रीफाइस किए होंगे आई से लाइक कि नहीं भाई यार ऐसे तो मुझे लगता नहीं है

या सो या आई एम काइंड ऑफ अ बिगनर इन वेब डेवलपमेंट मैंने से uh, मतलब जैंगो सीखी थी बीच में ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड बूट स्ट्रैप आई नो मतलब फ्रंट एंड में काम आता है सो स्टिल आई एम क्वाइट अ बिगनर एंड एक एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया था अपने रूम मेट के साथ रूम मेट का एक बहुत सही आइडिया था सो इफ़ यू वॉन्ट अ नो मोर अबाउट द प्रोजेक्ट आई गेस यू कैन गो टू माई लिंक इन चेक Check out that project. And by the way, it's ongoing. Uh, okay, so uh, link of Stephen sir's LinkedIn profile will be in the description. You can check that out. Uh, so, sir, uh, what's your future plan? I uh, means you have an upcoming internship at Google this summer, and uh, you have mm. uh, this such big coding profiles, and you you have mm. started development as well. So, what are your future mm. plans? Basically, you want to stick with competitive programming, or you would start developing that project as you said that you have to complete that project. प्लान hmm. अगर uh, चिराग अगर मैं दिल दिल की मानूँ तो आई uh, मतलब, uh, को मिलता है exactly, exactly, <laughs> उसमें कुछ उखाड़ना है वो मेरी फीलिंग है बट देन अगेन सिर्फ कॉम्पिटिटिव नहीं कर पाऊंगा मैं बिकॉज अगेन अदर स्किल्स आर नीडेड जरूरी है ऑब्वियसली कंपनी सिर्फ तुम्हारे कॉम्पिटेटिव प्रोफाइल्स ही नहीं देखेगी दे रिक्वायर मोर एंड इन दिस एवर ग्रोइंग कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट या सो यू नीड टू डेवलप अदर स्किल्स सो अभी करेंटली ऑफ कोर्स आई एल गिव टाइम टू कॉम्पिटेटिव बट आई एल ट्राई टू एक्सप्लोर अदर फील्ड्स जैसे अभी करेंटली मेरा एम एल का कोर्स चल रहा है एंड आई हैव टेकन क्वाइट अ लाइकिंग टू इट

वो बहुत डिस्प्लेबल नहीं है इफ़ यू नो व्हाट आई मीन अगर मैं समझ लू yes, कोई वेबसाइट बनाऊँ या एक मशीन लर्निंग में एक मॉडल बनाऊँ विच कैन प्रिडिक्स स्टफ एन ऑल तो वो दिखा सकते हो तुम प्रोबेबली लोगों को यू कैन एक्सप्लेन इट टू देम कि देखो दिस इज माय वर्किंग एक्जैक्टली इन द केस ऑफ डेवलपमेंट इन द केस ऑफ डेवलपमेंट यू हैविंग अ प्रोजेक्ट यू हैविंग अ प्रोडक्ट विच पीपल कैन यूज विच पीपल कैन गिव द रिकमेंडेशन अबाउट सो इन दैट केस यू कैन शो योर स्किल

finally means in a college life you have to somehow make a perfect balance between them i would exactly. not say perfect exactly. but make a balance between them try to make a balance exactly. but, uh, i i think i hadn't uh, made like uh, went i didn't go much in detail about द प्रीवियस क्वेश्चन बट आई वॉज सेंग तुम कॉलेज में हो तो ट्राई टू एक्सप्लोर एज मेनी फील्ड आज पॉसिबल उस में से फाइंड योर पैशन उसमें टाइम लगाओ अदर देन दैट ऑफकोर्स सिर्फ वो एक फील्ड में ही दैट्स नॉट अनफ स्किल्स आर नॉट इनफ सो डावल इन अदर फील्ड्स मे बी एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज पहुँच जाओ एक दो फील्ड्स में ऑफ योर लाइकिंग ऑफ योर चॉइस एंड आई सेट्स दैट्स

क्यों रुके हो तुम तो? मतलब अगर तुम्हें कुछ शुरू करना है तो इज नथिंग स्टॉपिंग यू एट दिस मोमेंट यू हैव एवरी रिसोर्स एट योर डिस्पोजल एंड जो भी चाहिए तुम्हें यू कैन uh, जो भी क्वेरीज आती है द इंटरनेट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड यूज दैट टू इट्स फुल एक्सटेंड एंड बस शुरू करने की देरी है तुम्हारी बाद में जो होगा देखा जाएगा बट आई थिंक टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इज

actual passion and who uh, you know willingly puts his time in something so yes passion jo tumhari liking hai uske work upon it and yeah that's all i'd say exactly means passion and dedication is all you need and if you have passion dedication will come along and then you you can mm. if you are investing time in it you will enjoy that thing so it completely depends on your interest and passion yeah, rightly, but. Yeah, so, uh, sir, it was a very nice session with you, and I really enjoyed it a lot. Uh, I got a lot to know about, and I hope also that the viewers got to know a lot about new things about uh, coding and stuff. Uh, so, so, I wish you all the luck for future endeavors. So, thank thanks, thanks a lot, Tirag, and thank you for hosting me. It was lovely to do this session. I mean, uh that's it's a very creative thing that you are doing taking out of your time uh like taking out your time and doing this uh, content creation that's that's a really great thing so props to you bro thank you sir